नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बनाना जा रही हूँ पत्ता गोभी। आइए और देखिए, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। ये मेरी गोभी है, पतला पतला काटना है इसे, बारीक बारीक, मोटा मोटा नहीं काटना, ताकि इसमें स्वाद नहीं आएगा। उसके बाद मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। और इसमें छोटा छोटा मैंने आलू काटा हुआ है, ये 4 आलू लिए थे छोटे छोटे। उसके बाद मुझे डालना है टमाटर, और ये है प्याज, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा ये मटर है। ये सब मैं आपको काट के अभी गोभी, बंद गोभी काट के दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये छोटा छोटा काटना है बिल्कुल। अगर आप मोटी मोटी काटोगे तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। छोटी छोटी काटनी है, बारीक बारीक। और इसको चाकू से भी ना काट सकते तो आप, है ना, जो जल्दी का काम है तो जो जिससे चिप्स बनाते हैं तो उससे भी काट सकते हो, बहुत अच्छा कटता है उससे, प्लेन और एकदम एक साथ बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए। अब मैंने ये गोभी काट लिया, मैंने पानी में भिगो दिया है। तब तक मेरा तेल गर्म होता है तो मैं इसे पानी में डुबे के रख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको सब्जी में दिखाती हूँ। ये मेरा है, अभी मेरा तेल गर्म हो गया है। ये मैं अभी सबसे पहले डाल रही हूँ जीरा, जीरा। उसके बाद डाल रही हूँ मैं ये प्याज, प्याज डाल रही हूँ। इसी के साथ में डालूंगी आलू, ताकि आलू फ्रेश हो जाए, करारे बने, ताकि ताकि ये फ्राई हो जाए फिर, तो फ्राई करने से मज़ा आ जाता है। अब इसमें मेरा आलू थोड़ा सा, प्याज और आलू पिंक होने चला है। अब मैं इसमें 100 ग्राम मटर भी डाल रही हूँ, और उसके साथ मेरा 1/2 किलो बंद गोभी है, और 4 आलू के, ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे। और उसके बाद ये फ्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। मेरे आलू अब फ्राई हो चुके हैं और प्याज भी फ्राई हो गई है, तो इसलिए अभी मैं टमाटर डालने जा रही हूँ। ये टमाटर डाल रही हूँ, इसमें 2 टमाटर हैं, बड़े हैं 2 टमाटर। अभी इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, ये है 1 चम्मच धनिया, थोड़ा 1/2 चम्मच हल्दी, और 1/4 चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी कश्मीरी मिर्च, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अभी ऐसे थोड़ा सा मसाला भूनने तक मंदी गैस पे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और वैसे तो ये सब्जी उसमें कुकर में भी बन सकती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कुकर में थोड़ा हलवा बन जाता है, इसलिए मज़ा नहीं आता। तो कढ़ाई में, अगर खुली कढ़ाई में बनाओगे, धीमी गति में बनाओगे, बहुत टेस्टी बनेगी। आप एक बारी बना के देखिए, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। बंद गोभी डालने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये सब भून गया है मसाला, और मैं बंद गोभी बाद में डालूंगा।
अब देखो मेरी बंद गोभी अच्छी तरह मसाले में मिल गई है। अब मैं इसे ढक के बनाती हूँ। ढक के 10 मिनट तक इसको मंदी गैस पे बनाना है, ठीक है। इसमें देखो अभी ढक के बना रहे हैं तो अभी सब्जी में पानी आ गया है। इसमें पानी नहीं डालते कभी, हरी सब्जी में अपने आप ही पानी निकलता है हरी सब्जी का, और अपने आराम धीमी गति से इसको बनती रहती है, और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसे नमक के पराठे के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें टाइम है, अभी तो 5 मिनट और लगेंगे इसमें बनाने में। अभी कच्चा है सब्जी, देखो अब ऐसे हो गया ना। अब इसको थोड़ी देर खुला सा खुला पकाते हैं ताकि ये थोड़ा सा पानी थोड़ा सा रह जाता है तो ये निकल जाए, सारा ख़त्म हो जाए। तो खुला पकाएंगे तो और ज़्यादा करारी बन जाएगी, मस्त वाली, ठीक है। थोड़ी देर, ये देखो रेडी हो गया। अब इसमें पानी नहीं रहा है और इसमें अब मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, डालना चाहे, नहीं डालना है तो मत डालो। और गरम मसाला भी आप डालना चाहें डाल सकते हो। और इसमें अब सब्जियां सब्जी बन गई है, ये देखिए। और इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, ये कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल अच्छी। ये मैं आपको थोड़ा सा सारी सब्जी क्या बन गई है, मस्त वाली, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं क्या बनाते हैं। एक ने कहा है पराठे बनाओ, एक ने कहा है फुलके बनाओ। अब दोनों ही एक अलग अलग बना देते हैं, एक का फुलका एक का पराठा। फटाफट परोसते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, बाय बाय, गुड लक।